चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट्स में। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यूपी के किसानों को नए साल पर बड़ा तोहफा, 1 लाख रुपए तक कर्ज होगा माफ, योगी सरकार का ऐलान। जनधन खाता रखने वालों की बल्ले बल्ले, सरकार अब हर महीने खाते में भेजेगी 1000 रुपए की धनराशि, हो गया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने देश को दी सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात, वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। आईडीबीआई बैंक के बाद अब इंडियन ओवरसीज बैंक को भी बेचने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 10 राज्यों में होगा चुनावी दंगल, 2 राज्य में है कांग्रेस की सरकार। मुंबई मेट्रो में 4800 पदों पर बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं पास कर सकते आवेदन, 2 लाख रुपए मिलेगी सैलरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को पहुंचेगी दिल्ली। झारखंड से बिहार आ रही है बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर, 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पठान फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग हुआ रिलीज, दीपिका के हॉट लुक्स ने फैंस को बनाया दीवाना। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ने की जरूरत नहीं, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। एनआरसी कानून लागू करने के विरोध में ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के सारे नेता गुंडे, इनका काम देश को बांटना। देश में आज फिर बढ़े सोने चांदी के भाव, कीमत में हुई 3600 रुपए की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के सीएम का बड़ा ऐलान, अब बेरोजगारों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, आज पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल में 7 रुपए की हुई बढ़ोतरी। रूस पर हमले की तैयारी में यूक्रेन, मदद के लिए आगे आया अफ्रीका, देगा घातक हथियार। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बड़ा बयान, गुजरात में जीत की वजह मोदी, हिमाचल में हार की वजह नीति। भारतीय रेलवे ने आज कैंसिल की 300 ट्रेनें, 23 ट्रेनों को किया गया शेड्यूल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 48 छात्रों को लेकर जा रही एक बस पलटी, कई छात्र घायल। पीएम किसान योजना में अब तक 15 करोड़ लोगों ने कराया अपना ईकेवाईसी, जनवरी 2023 में आने वाली है 2000 की 13वीं किस्त, 31 दिसंबर से पहले करवा ले अपना ईकेवाईसी। मुकेश अंबानी को एक हफ्ते में 76,000 करोड़ का नुकसान, गौतम अडानी को हुआ फायदा। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे जानलेवा कैंसर के मामले, 2 साल में 888 लोगों की हुई मौत। नए साल पर देश में आम लोगों का जीना होगा मुश्किल, बहुत जल्द घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए तक होगी बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 208 नए मामले, 3 की मौत।